असल पीस एंड ब्लैसिंग यू वेरी ब्यूटीफुल पीपल उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुमार रेड के बारे में बाय दी हाउस ऑफ जियडोर ये फ्रेग्रेस रिसेंटली रिलीज की गई है एंड आई गेव इट प्रॉपर वेयरिंग फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ डेज आपको बताता चलो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है सो आई शेल ट्राई माई बेस्ट टू बी ऑनस्ट विद यू गर्स आफ्टर थर्टीन ईयर्स आपको एक सॉलिड फ्लैंकर देखने को मिल रहा है इसका ओरिजिनल टू थाउजेंड ट्वेल्व में रिलीज किया गया था एंड एट दैट टाइम इट वॉज वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल जे डॉट हाउस ने अब प्रॉपरली इंटरनेशनल परफ्यूम ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है लाइक दे आर इन टू द फ्लैंकर गेम्स जो हमारे एड के नाम से आपके सामने है जे डॉट हाउसेज के जितने भी परफ्यूम्स अब रिलीज किए जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट तो बहुत ही एक्सपेंसिव हाउसेज के कलोन्स हैं या फिर नीच हाउसेस के कलोन्स हैं लाइक जनॉन् प्लेटिनम दुई बुटान इमेजिनेशन का कलोन है जनान ऊद लोबॉन ओमरेनोमेड का कलोन है और खुमार रेड को लेते हैं तो ये सस्पीरो बेबरेटो का कलोन है सस्पीरो बेबरेटो जरजॉफ की सिस्टर कंपनी और यू कैन से जरजॉफ का सब ब्रांड है सस्पीरो बेबरेटो डायरेक्टली इंस्पायर्ड है बुलगरी के एक परफ्यूम टाइगर से मैं इस बात को इस वीडियो में आगे चल कर एक्सप्लेन कर दूंगा देखते हैं कि खुमार रेड की सेंट प्रोफाइल कैसी है और इस बार जे डॉट ने इसको कैसे अप्रोच किया है सो गैज मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद वेलकम बैक गाइस एंड इट्स टाइम फॉर प्रेजेंटेशन सो इज द बॉक्स ऑन द द द फ्रंट यू विल गेट नेम ऑफ परफ्यूम एंड हाउ उस टॉप पे देखते हैं तो ये डार्क में कलर का है मिड में रेड कलर का है और जब बेस में जाते हैं तो ये सिल्वर कलर का बन जाता है देयर इज नथिंग ऑन द साइड्स बैक पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इसकी एक्सपायरी डेट मिलेगी इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे और यहां पे आपको जे डॉट का होलोग्राम मिलेगा टॉप के ऊपर ये डार्क ब्राउन कलर में और जे डॉट का लोगो आपको देखने को मिलेगा गायज बेस में आपको रिसाइकलिंग के साइन और कुछ दूसरे साइन देखने को मिलते हैं Here's, अगर आप इसको शेक करते हैं देन इट्स साउंड एट लीस्ट इसके अंदर जो बॉटल है उसको फिक्स होना चाहिए था सो so, देखते हैं कि इसकी बॉटल कैसी है सो गायज वेयर इज द बॉटल सेम ऑन द फ्रंट यू विल गेट द नेम ऑफ द परफ्यूम एंड हाउस बॉटल आप देख सकते हैं uh, अच्छी बॉटल है और फ्रॉस्टेड लुक में है इसके कलर को देखते हैं और फॉस लुक को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एक प्योर समर की फ्रेगरेंस है देयर इज नथिंग ऑन द बैक बॉटम पे आपको स्टिकर देखने को मिलेगा जहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी है ये ओडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में फ्रेगरेंस है 100 हंड्रेड एम की ये बॉटल है इसकी जो लेड है वो प्लास्टिक की है बट इट्स लुक्स ब्यूटीफुल और गैस ये टॉप से ट्रांसपेरेंट uh, है सो यू कैन सी थ्रू इट ओवरऑल बॉटल को देखते हैं तो एक अच्छी लुक में है और इस बॉटल में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है इसका uh, स्प्रेयर गैस जहाँ पे आपको कंट्रोल ऑटोमाइज़र देखने को मिलता है और आपको एक प्रॉपर जो है मिस मिलती है फ्रेग्रेंस की प्रॉपर एक क्लाउड मिलता है जब आप इसको प्रेस करते हैं अगेन से गैस आई एम गोना बॉस कपल ऑफ प्रेस फॉर यू देख सकते हैं आप किस तरह से ये प्रॉपर जो है वो जूस को डिस्पर्स कर रहा है नोट्स की बात करते हैं तो टॉप में है ग्रेपफ्रूट मिड में है जिंजर एम्बरेट बेस में है मस्क एम्ब्रॉक्सन पिचोली एंड ओबेटी गैस नोट्स की पैरामिड को देखते हैं तो सेम नोट्स की पैरामिड आपको बर्गरी टाइगर के अंदर भी देखने को मिलती है स्क्रीन पर पॉप आउट कर रहा है आप देख सकते हैं बट जब आप हमार रेड को लेते हैं तो एक्चुअली देर इज लॉर्ड ऑफ गोइंग ऑन हेयर गैस इसकी ओपनिंग बहुत ही प्लेजेंट है एंड इट मेक्स यू फील गुड स्टार्ट में आपको सिट्रसिस मिलते हैं बट इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट उस तरह से आपको एक बर्स नहीं मिलता सिट्रसिस का जैसे आपको इटालियन लव लाइक डूफॉर एबर टेरीडी एम एस जबे और री टाइगर के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता था वहाँ पे आपको फोटो रियलिस्टिक ग्रेप फ्रूट या फिर फोटो रियलिस्टिक सिट्रसिस एक्सपीरियंस करने को मिलते थे और वहाँ पर इनकी जो ओपनिंग थी वो थोड़ी सी इंटेंस थी बट यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर जो ओपनिंग है वो बहुत ही स्मूथ है और इन सिट्रसिस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बगम और यूज़ किया गया है सो so, ग्रे फ्रूट की नोट को आप कह सकते हैं कि इस फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत ही बैलेंस तरीके से यूज़ किया गया है गैज इसकी ओपनिंग के अंदर आपको एक ग्रीननेस का फैक्टर एक फ्रेशनेस और एक आपको स्वीट फ्लोरल एक्सपेक्ट जो हैं वो एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं एंड दिस पाउट आर कमिंग फ्रॉम द रोजमेरी एंड मैग्नोलिया जो टॉप में यूज़ की गई हैं और जो इसकी नोट्स के अंदर लिस्टेड नहीं है जिंजर नोट की बात करते हैं देन जिंजर शोज अप वेरी अर्लीर इन द ओपनिंग एंड इट मेक्स अ फ्रेग्रेंस जस्ट ही यहाँ पर जिंजर एक फिजीनेस एक स्पार्किंग फैक्टर क्रिएट करता है और यहाँ पे एक लाइट सी स्पाइसीनेस भी इंड्यूस करता है सेम जिंजर की नोट आपको चेनान प्लेटिनम के अंदर भी एक्सपीरियंस के अंदर को मिलती थी वहाँ पे ये थोड़ी सी लाउड थी और कुछ लोगों को ये अनैंग लगता था बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे ये बहुत ही स्मूथ और बैलेंस है थैंक्स टू एमरेड जो मिड नोट्स के अंदर यूज की गई है एम्ब्रिड को इसकी स्ट्रॉन्ग ओल्ड फैक्ट्री करैक्टर की वजह से इस फ्रेग्रेंस के अंदर यूज नहीं किया गया बल्कि इसको एक स्ट्रॉन्ग फिक्जेटिव के तौर पर भी यहाँ पर यूज किया गया है जब भी एम्ब्रेड को आप स्ट्रॉन्ग फिक्जेटिव के तौर पर फ्रेग्रेंस के अंदर यूज करते हैं इट इनहसेज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द इंग्रीडियंट्स स्पेशली इन द टॉप नोट्स एंड बेस नोट्स एंड प्रोवाइड अ लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट ऑन योर स्किन यही वजह है कि जो सिट्रसेज है वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं फ्रॉम द ओपनिंग टू ड्राई डाउन ओपनिंग में ये थोड़े से लाउड है बट सेकेंड फेज के अंदर ये टोन डाउन हो जाते हैं और थर्ड फेज के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट फेड आउट हो गए हैं बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है दे आर स्टिल डांसिंग इन द बैकग्राउंड आपको टाइम बाई टाइम इन सिट्रिस की विप्स एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं आफ्टर थर्टी टू फोर्टी मिनट्स इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको एक पाउडरीनेस एक्सपीरियंस करने को मिलेगी एंड दैट पाउडर इज कमिंग फ्राम द एम्बरेट जैसे जैसे ये फ्रेग्रेंस रेड ऑन फेस में जाती है द एम्ब्रॉक्सन विल बी स्टार्टिंग टू पॉप आउट अलॉन्ग विद द मर्स एंड गिवस यू अ वेरी स्लाइट क्रीमी एनिमेलिक मिनरल फैसिट्स हे यू फाइंड इट सॉल्टी स्मूथ बटरी ऑलमोस्ट स्किन लाइक तो आप ये कह सकते हैं कि ये फ्रेगरेंस सिट्रसी फ्रेश और एम्ब्रॉक्सन बेस्ड है बैटी और पचूली की यहाँ पे आपको फैसड्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे एक्चुअली ये यहाँ पर सपोर्टिंग नोट्स हैं और ये यहाँ पर मस्क और एम्डॉक्सन को बैलेंस करने के लिए यूज़ की गई है ये फ्रेगरेंस कैलोन किसका है ये फ्रेगरेंस कैलोन है सस्पेरों का अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं टाइगर को और सस्वीरों वेब्रेटो को तो गैस जो खुमार रेड रह है इस ज़्यादा क्लोज है तस्वीरों का बिकॉज जो भी मैंने आपको नोट ब्रेक डाउन बताई है वो एग्जैक्ट आपको मिलती है तस्पीरों में जो पोटीनस है वो भी मिलेगी जो सिट्रसज हैं वो आपको कंट्रोल अमाउंट में मिलेंगे प्लस कहीं ना कहीं पर आपको एक लाइट सा स्वीट फ्लोरल जो एक्सपेक्ट्स हैं या एक टच मिलता है इस फ्रेग्रेंस के अंदर और वहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा गरी टाइगर की अगर आप ओपनिंग देखते हैं तो गैस उसमें जो फोटो रियलिस्टिक ग्रेफ फ्रूड यूज़ किया गया और उसमें आपको पोटीनस भी नहीं मिलती और ना ही फ्लोरल एक्सपेक्ट्स मिलते हैं सो गायस ओवरऑल देते हैं तो दिस फ्रेग्रेंस हैज बीन डन मॉस्टरफुली परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है और डिसेंट परफॉर्मर है बट यू कैन नॉट पुट दिस वन इन टू मोड कैटागरी और इसकी मेन रीजन है इसकी प्रोजेक्शन गायस ये वन लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है फॉर टू प्लस आवर्स ऑफ मिस ए वो लोग जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लाउड फ्रेग्रेंस है या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस like तक लाइक सिक्स टू एट फीट तक प्रोजेक्ट करती है तो ऐसा नहीं है आपके स्किन के ऊपर ये लॉस करती है थ्री टू फोर आवर्स आपके एप क्लोज के ऊपर ये लास्ट करती है एट टू ट्वेल्व आवर्स और इसका जो सियाज है वो भी थ्री टू फोर आवर्स है सो so इसकी लॉन्ग जेबडियो सियाज को देखते हैं तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है बट प्रोजेक्शन के ऊपर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है सीजन की बात करते हैं तो ये एक प्योर समर की फ्रेग्रेंस है विंटर में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज विंटर में ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट नहीं कर पाती ये एक कंप्लीमेंट गैटर फ्रेग्रेंस है इट गवर्नमेंट द पॉजिटिव कॉमेंट्स लेडीज़ को ये फ्रेग्रेंस पसंद आती है सो so गायस आप इसको डेट्स के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं अभी रेबल फैक्टर की बात करते हैं और ड्रेस डाउन यू कैन ईजीली गो विद दिस वन स्पेशली आपने हवाई शर्ट पहन रखी है अलॉन्ग विद द लेलन पैंट और लेलन ट्राउजर तो आप इसको ईजिली इंजॉय uh, कर सकते हैं और आपने कैजुअल शर्ट पहन रखी है अलॉन्ग विद द एथलेटिक स्पोर्ट्स पैंट तो तब भी आप इसको ईजीली कैरी कर सकते हैं गर्ल्स गेट टूगेदर्स में आप इसको पहन सकते हैं स्पेशली इवनिंग में जहाँ पे ओपन एयर जो डिनर होता है लाइक like टेरेस पे आप बैठे हैं ओपन एयर में बैठे हैं तो आप इस फ्रेगरेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय करते हैं एज ग्रुप की बात करते हैं तो गर्ल्स ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटी कोई भी इसको ईजीली पहन सकता है जिस फ्रेग्रेंस का ये कलो है वो एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है बट गर्स आई फाइंड इट मोर ऑन अ मेस्कुलन साइड बट अ कॉन्फिडेंट मेचोर लेडी कैन ऑल्सो वियर दिस वन नाउ ऑन टू मे फाइनल थाट्स वेलकम बैक गाइस इस फ्रेग्रेंस का प्राइस टैग है 4900 इस फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल ब्लेंडिंग बैलेंस एंड परफॉर्मेंस ये चारों चीज़ें ही सेटिस्फैक्ट्री हैं तो कहीं ना कहीं पे जाकर ये अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है बट गाइस अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो आई थिंक इस फ्रेग्रेंस को होना चाहिए था थ्री या मैक्स थ्री सो so, आप अगर थोड़ा सा वेट करते हैं तो जब डेट जे डॉट के ऊपर सेल लगेगी तो कहीं कही ना कहीं पे आपको अंडर फोर के फ्रेगरेंस मिल जाएगी आप में से वो लोग जिन्होंने ये फ्रेगरेंस ट्राई कर रखी है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अगर आपको सिट्रसी फ्रेश और एम्प्रॉक्सन बेस्ड फ्रेगरेंस अच्छी लगती हैं देन यू शुड हैव टू ट्राई इट सो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टला हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग